हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदीप ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छे से हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और ये आज मॉर्निंग में मैं शुरू कर रही हूँ अपनी ब्लॉगिंग, मॉर्निंग में नहीं, मैं आप कह सकते हो दोपहर में ब्लॉगिंग मैंने शुरू की है। तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ थोड़ा बाहर निकलने के लिए। तो पहले तो आज बता दूँ मैं आपको, आज मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी। और जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, उस दिन मैं बालों में शैम्पू नहीं करती हूँ, बस इस तरीके से बालों को केवल पानी से वॉश कर लेती हूँ। और फिर एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन वैसे पूरे दिन में तेल लगाए रहती हूँ बालों में, और दूसरे दिन ही मैं करती हूँ हेयर वॉश। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का ये ब्लॉक है। तो मैंने अभी, मुझे बाहर निकलना था, तो अभी तेल लगा लेते तो अच्छा नहीं लगता, बहुत चिपचिपा सा लगता और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, बाल बहुत उलझे उलझे से लग रहे थे, बहुत रफ़ लग रहे थे, तो मैंने लेवॉन लगा के अपनी चोटी बांध ली है। और मैं सिंपली ऐसे ही नहीं करती हूँ, मुझे और कोई हेयर स्टाइल नहीं आती है। ये मैंने और कई ब्लॉगों में आपने बताया है कि मुझे ऐसी कोई हेयर स्टाइल नहीं आती है। तो मैं सिंपली इस तरीके से मैं बस एक पोनी कर लेती हूँ तो मुझे सही लगता है। तो अभी मैंने पोनी कर लिया है और फिलहाल चाय नाश्ता सारी चीज़ें हो चुकी है, बस अब हम थोड़ा सा तैयार होंगे जो नॉर्मली तैयार होते हैं। तो अभी चेहरे पर तो कोई क्रीम या कुछ भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए अभी मैं ना केवल नवरत्न पाउडर या डर्मिकुल पाउडर जो होता है ना, ठंडा ठंडा वाला, वो लगा लेती हूँ। और नॉर्मली एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ, वो भी ये नहीं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल एक रेड कलर की लिपस्टिक मेरे ऐसे ड्रेसिंग में पड़ी होती है, तो वो हर कलर के ड्रेस में चल जाती है ना। और सावन में आजकल बस मुझे ना हरे हरे रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो आज मैंने फिर से ग्रीन कलर के ये कुर्ती डाल रखी है जिससे कि मुझे सावन की फीलिंग आती रहे। तो मैं वो लगा लिया, फिर मैंने लिपस्टिक लगा ली, फिर मैं लगा रही हूँ काजल। और काजल भी लगाने का मेरा थोड़ा अलग अंदाज है, मैं केवल हाफ आँखों में काजल लगाती, आधी आँख में लगाती हूँ, आधी नहीं लगाती। और ये चीज़ ना मैंने अपने नंद से सीखा है, वो अक्सर, मतलब मैं जब उनको काजल लगाने के लिए कहती थी ना, वो एंटी कैंटिक तरीके से लगाती थी, तो वो उनको मैंने देखा है कि वो आधे बाल में, आधे आँख में काजल लगाती थी, आधी में नहीं लगाती थी। और मैंने अभी ये रूम में ही बाल सुलझा लिया ना, इसलिए मैं यहाँ समेट रही हूँ, बस बालों को फेंकूँगी और फिर चलेंगे बाज़ार। मैं देखिए तैयार हो गई हूँ, मैं चल रही हूँ बाज़ार। बाज़ार तो मुझे रोज़ जाना रहता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना घर के, तो उसको और कुछ स्पेशल चीज़ की तैयारी भी करनी है, तो कुछ कुछ मार्केट से मुझे लेना भी है, मतलब बहुत स्पेशल है तो उसकी तैयारी करना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ लेने चलना है। तो कुछ चीज़ें तो ऑनलाइन मुझे जो मंगानी थी वो मैंने मंगा ली, और कुछ चीज़ और भी ऑनलाइन मंगानी थी, लेकिन टाइम, मतलब मैंने बहुत लेट में शुरू किया चीज़ों को मंगाना, तो इसलिए नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वहाँ चलती हूँ बाज़ार, तो वहाँ से ले लेते हैं। तो अभी मुझे और साग सब्ज़ी वाला भी, वो भाजी वाला आ नहीं रहा ना, तो वो उसको भी लेने जाना है, वो भी मुझे लेने जाना है। मैंने आपने पहले वीडियोस में आपको बताया कि घर का शेड्यूल इतना बिजी होता है ना कि कुछ बहुत सारे काम है जो मुझे ही करने होते हैं, और मुझे करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, किसी और के घर का चोरी ना कर रही हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें करने अच्छी भी लगती है, इसलिए भी मैं करती हूँ। तो चलते हैं फटाफट बाज़ार और जो जो काम है उसको जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं, फिर आपसे मैं आगे हूँ वी मार्ट में। और वी मार्ट में कहीं जाना हो और शॉपिंग ना हो और कपड़े ना खरीदे जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं आ गई हूँ वी मार्ट अपने लिए कुछ लेने और किसी और के लिए भी कुछ लेने। तो बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं। तो चलते हैं, लेट्स गो शॉपिंग। तो शॉपिंग करते हैं, कुछ कुछ लेना है, जल्दी जल्दी से लेंगे और फिर आपसे दिखाते हैं कि क्या क्या ले रहे हैं। चलते हैं फटाफट। तो फैमिली, इधर मैंने सर्चिंग कर दी है, अपने शुरू कर दिए शॉपिंग करने के लिए। हाँ, आप ऐसे कपड़े देखे तो बहुत लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ किस लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और कुछ लोग नहीं समझे तो चलिए मैं इसको गुप्त नहीं रखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ।
कि मैं किस लिए शॉपिंग कर रही हूँ, तो मेरे भतीजे का जो है ना वो है बर्थडे 10 जुलाई को, तो मुझे अभी घर जाना होगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ कपड़े सर्च कर रही हूँ। तो वी मार्ट में क्या होता है ना कि कलेक्शन बहुत दिख जाते हैं, तो मैं इसलिए सबसे पहले वी मार्ट में आई थी, लेकिन मुझे कुछ भी खास नहीं लगा। जैसे एक होता है ना, आप पूरा सेट लेते हो तो वो अच्छा लगता है, तो उस तरीके का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अलग अलग लेना मुझे समझ नहीं आ रहा था, शायद मेरे साथ अजीत होते तो उनको थोड़ा समझ में आता, तो वो ले रहे थे वो नहीं मिला था। और इधर आए थे थोड़ा टॉय देखने की, हाँ कुछ टॉय में कुछ उसकी, मतलब मैं ना ऐसे वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं देती हूँ, मैं कुछ ऐसा देना चाहती हूँ ना जिससे बच्चे जो भी हैं वो पढ़े, या एजुकेशन से रिलेट हो, या कुछ ऐसे, मतलब कुछ एजुकेशन से ही रिलेट हो, ऐसे फालतू में नहीं कि घर में उधमबाजी करने के लिए हो। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले क्या नहीं ले, एक तो दिमाग पे था कि हाँ कपड़े कपड़े कपड़े, तो वही चल रहा था, और फिर कुछ नहीं समझ में आया था। और मुझे अजीत के लिए थोड़ी सी हाफ निक्कर जो होती है ना वो लेनी थी, तो यहाँ पे वही सर्च कर रही हूँ कि क्या लूँ। तो मुझे ये सारी निक्कर इतनी छोटी छोटी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पता नहीं मैं ले जाऊँ तो अजीत को समझ में आए ना आए, तो मैं और भी सर्च करती हूँ, अभी देखते हैं और फिर आपसे दिखाते हैं कि मैंने क्या लिया। में ना तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, और मैं बस अब चलूँगी मार्केट में, और मार्केट में ही देखूँगी कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वी मार्ट में मैंने सोचा था कि चीज़ें सही मिल जाती हैं, अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मिला नहीं है। और बारिश की वजह से ना थोड़ी देर के लिए फंस भी गए थे, और अब नहीं है, बारिश रुक गई है, फिर चलते हैं। लेकिन जो मुझे सब्जी उब्जी लेने का काम करना था ना, वो होने वाला है एकदम चौक पर, लेकिन क्या करते हैं, चलते हैं फिर बाज़ार में, ढूंढना पड़ेगा मुझे जिसके लिए लेना है ना, वो ऐसे ऐसी सारी चीज़ें पहनते नहीं हैं, और तो इसलिए मैं सोच रही थी ना किसी मॉल से ही चलूँ। और यहाँ पे जो एफबीवी और पैंटालूज खुला हुआ था ना, वहाँ पे भी चल सकते हैं, अभी चलते हैं देखते हैं कि यहाँ कहाँ। लेकिन अभी भी मार्केट का भी काम है ना, तो सोच रही थी कि पहले मार्केट से ले लेंगे, देख लेंगे, अगर नहीं मिलता तो फिर अजीत के साथ आके शाम को देख लेते हैं, पैंटालूज में ही देख लेंगे। फिर मैं सर्च करने के बाद फिर वहाँ से जब मैं बाजार आई, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी मंडी आई, और सब्ज़ियाँ मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई ना कि हर सब्ज़ी को लेने से पहले सोचना पड़ता है। टमाटर जो है ना वो 40 का 250 ग्राम था, मैं सुन के ही धोते हो गए, जो 10-20 रुपये किलो मिलने वाली चीज़ें वो इतनी ज़्यादा महंगी मिल रही थी। और जो ये सब्ज़ी वाली ना, मैं अक्सर यहीं पर आके यहीं पर टिक जाती हूँ, इन्हीं से लेके चली जाती हूँ, तो वो भी बेचारी इतनी परेशान थी कि मेरे, मतलब कि इतनी महंगाई, तो भगवान जी इतनी भी क्या महंगाई कर दें, मतलब तो इन लोगों को परेशान करने का कोई मतलब नहीं, तो जो जो दाम में बताया उसको ले लिया, और ये सब्ज़ी मंडी की ये स्थिति हो गई। ये देखो हर जगह बारिश ही बारिश थी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना जो मुझे लेने था भतीजे के लिए कपड़ा, तो ये एक दुकान ऐसी है जहाँ पे अच्छे अच्छे और थोड़ा सा मतलब कि बन के कपड़े मिल रहे थे। तो इससे पहले भी मैं जब गई थी अपने भतीजे के बर्थडे में, तो मैं यहीं से मैं लेके गई थी, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो अब की बार थोड़ा सा ये था कि हाँ मुझे ऐसे वो वैसा वाला कपड़ा नहीं लेना था, जो सूट वूट जो होते हैं वो उसके पास इतने ज़्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं सोची थी कि कौन सा लो, तो उन्होंने उनके दुकान में जितनी वैरायटी थी उन्होंने खोल के रखी थी, और भी अभी आगे और भी खोल देंगे, तो देखते हैं कि इनमें से या और किन में से क्या लेते हैं, अभी देखते हैं तो बताते हैं आपको। एंड फैमिली, मैं फाइनली आ गई हूँ घर सारी शॉपिंग करने के बाद, और घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरी लॉबी जो है आधी टूट चुकी थी, और घर में जो काम लगा है ना वो बढ़ते ही जा रहा। तो आए ना तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली, और इधर काम लगा हुआ है जस्ट रूम के बाहर, तो वो देख के तो मेरे तोते उड़ गए कि आज तो काफ़ी लंबा काम फैलने वाला है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फैमिली, अभी हम सारे वहाँ पे जितनी गंदगी थी ना वो सब वो मैंने साफ़ कर लिया अभी, और शाम की चाय भी मैंने नीचे बना के दे दी है, और अभी मैं अभी बैठी चाय पीने के लिए, क्योंकि इतना काम करने के लिए ना ज़बरदस्त भूख लगी है, तो चलते थोड़ा सा पहले कुछ खा पी लेते हैं, और इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि मन कर रहा पता नहीं क्या क्या खा लें।
तो चलते फिलहाल कुछ खाते हैं। नीचे नीचे दुकान पे भी एक ऐसी फ्रिज रखी है, तो जो सब्जी लेके आए थे उसको रखने के लिए आए हैं। मम्मी आई थी ना तो बिल्कुल भूल ही गई, तो सब्जी ऐसे रहेगी ना तो फिर सड़ने का डर रहता है, तो आलू तक सड़ जा रहे हैं। और सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा महंगी है कि क्या ही बनना है। तो अभी देखो आप लोग, मैं कह रही थी ना कि कुछ भी सब्ज़ी नहीं है, तो सच में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, तो इसलिए सब्ज़ी लेने जाना पड़ा। तो चलते हैं सब्ज़ी रख लेते हैं फ्रिज में और फिर बचाते हैं। सो फैमिली सारे काम अपने करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो इतनी बुरी तरीके से थकने के बाद ना बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन ये ना कि बिना करे हो भी नहीं सकता है। तो अभी सब्जी वाले जो आए थे ना, कुछ छोटे छोटे इतने सारे प्याज देखे गए थे, मैं उनको इतनी बार मना करती हूँ तो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। बीच बीच में जो बच्चे हैं ना वो डायरी साइन करो, कुछ करो ये सब भी चला करता है। मेरा ये किचन से ही इस समय इतना सारा काम होता है कि मैं 6 बजे किचन में आती हूँ ना तो 10:30 तो कैसे बच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस समय मैं इतने छोटे छोटे प्याज बस इतने ही बच गए थे, बहुत मतलब यूज़ करने के बाद बहुत सारे इतने छोटे छोटे उन्होंने अनियन दे के गए थे मुझे। तो मैं जितनी छील रही थी ना, मैं मनी मन उनको इतना मतलब कोस रही थी एकदम, क्योंकि मुझे ये छोटे छोटे जो अनियन होते ना उसको मतलब लेना ही नहीं पसंद है। वो किस तरीके से कब दे के चले गए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो इधर से मैं बच्चों को गाइड भी कर रही हूँ कि हाँ पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, और इधर मैं बनाने जा रही हूँ तैयारी, क्योंकि सारे काम होने के बाद बाजार उजार से आने होने के बाद ना इतनी थकावट रहती कि रोटी सब्जी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इधर मैं इसलिए मैंने सोचा कि आज बनाऊँगी मैं तहरी, तो तहरी बना रही हूँ। तहरी बस तहरी के अलावा कुछ भी नहीं बनाएंगे, हाँ 2-4 रोटियाँ बनाएंगे, क्योंकि पापा जो है ना वो केवल तहरी नहीं खाएंगे, मम्मी भी बिल्कुल तहरी एकदम तहरी नहीं खाती, उसके साथ एक आध रोटी तो खाते ही हैं दोनों लोग। तो 2-4 मैं रोटियाँ बनाऊँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी तहरी। सो फैमिली आज इसी तरीके से करके मेरा जो दिन है ना वो हो जाएगा पूरा। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली कि आपको मेरा जो ब्लॉग होता है ना वो आपको पसंद आता होगा। तो पसंद जिसको जिसको आता हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। तो इसी होप के साथ ही आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार देंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहो, खूब आम खाओ, खूब मस्ती करो, सुखी रहो, खुश रहो और दूसरों को अपनी खुशी से जलाते रहो। तो कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।